हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का समापन हो चुका है फ्रेंड्स, और इस बार का टूर्नामेंट जीत लिया है फ्रांस ने। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो आज डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। SSC एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स और जो भी अदर स्टेट एग्जाम्स है, सभी जगह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी चीज़ें जानेंगे, इसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सभी आपको मैं बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 का वेन्यू था, तो इस बार आयोजित किया गया था रूस में, ठीक है। ये फीफा वर्ल्ड कप का 21वां संस्करण था, और 21वां टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं इसको फीफा वर्ल्ड कप का। 14 जून से 15 जुलाई के बीच ये फीफा वर्ल्ड कप खेला गया। इसमें कुल 32 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कुल 64 मैच हुए। इसका जो मैस्कट बोलते हैं, इस बार फीफा वर्ल्ड कप का मैस्कट था, जैसे मैंने आपको बताया था कॉमनवेल्थ गेम में जो मैस्कट था वो था 12वीं, ठीक है। तो इस बार का शुभंकर रखा था रशिया के फीफा वर्ल्ड कप का, जबिवका वोल्फ, ठीक है। तो जबिवका वोल्फ जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2018 का शुभंकर था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ये क्वेश्चन में बनता है हमेशा कि 2018 फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर जो मैस्कट था वो कौन, क्या था मतलब, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको अच्छे से। और देखिए, जो अब अगला वर्ल्ड कप होगा 2022 का, इसका वेन्यू होगा कतर में, और वर्ल्ड कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 आयोजित किया जाएगा USA, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है। तो इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से आयोजित होगा वर्ल्ड कप 2026 का। अब जानेंगे फ्रेंड, देखिए इसका विनर रहा फ्रांस, तो फ्रांस ने फाइनल मुकाबले में हरा दिया क्रोएशिया को। तो फ्रांस की टीम ने इतिहास रच दिया और फीफा वर्ल्ड कप 2018 अपने नाम किया फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे उपविजेता, तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 की जो रनर अप टीम रही वो रही क्रोएशिया। देखिए, मात्र 40 लाख की आबादी वाले देश क्रोएशिया ने भी फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना के इतिहास रच दिया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही इनके लिए कि इतने छोटे देश ने फाइनल में पार्टिसिपेट किया लेकिन खिताब अपने नाम नहीं कर पाए ये लोग, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा थर्ड प्लेस, तो थर्ड प्लेस पर रहने वाली टीम बनी फीफा वर्ल्ड कप 2018 में बेल्जियम। बेल्जियम ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग खेल दिखाया, और बेल्जियम ने काफ़ी प्रबल दावेदार थी फाइनल की, लेकिन सेमीफाइनल में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, और तीसरे स्थान से ही इन्होंने संतोष किया। और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम बनी इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ने भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहराया इस वर्ल्ड कप 2018 में, और वो चौथे प्लेस में रहे। तीसरे प्लेस के लिए जंग हुई इंग्लैंड और बेल्जियम में, जिसमें बेल्जियम ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो इंग्लैंड को चौथे स्थान से ही यहाँ पे संतोष करना पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ें। अब जानेंगे गोल्डन बूट, तो गोल्डन बूट उस प्लेयर को मिला जाता है या दिया जाता है फीफा वर्ल्ड कप में जो उस सीजन में सर्वाधिक गोल करता है, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ उसके अंत तक जो सर्वाधिक गोल किए हैरी केन ने किए, ठीक है। तो हैरी केन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्हें दिया गया गोल्डन बूट, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा गोल्डन बॉल, तो गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु दिया जाता है फीफा वर्ल्ड कप में, और इस गोल्डन बॉल को जीतने वाले खिलाड़ी बने लुका मॉड्रिक, ठीक है। ध्यान रखेंगे लुका मॉड्रिक, जो कि रिलेट करते हैं क्रोएशिया से, तो क्रोएशिया टीम के काफ़ी मजबूत खिलाड़ी हैं लुका मॉड्रिक, जिन्हें मिला गोल्डन बॉल फीफा 2018 का। इसके बाद बात करेंगे बेस्ट गोलकीपर, तो बेस्ट गोलकीपर का जो खिताब दिया गया वो दिया गया थीबो कोर्टुआ को दिया गया, ठीक है। थीबो कोर्टुआ जो कि काफ़ी एक हिसाब से रक्षात्मक गोलकीपर माने जाते हैं बेल्जियम के, तो इन्होंने जीता है बेस्ट गोलकीपर का खिताब। अब बात करेंगे देखिए फेयर प्ले अवार्ड की, तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 में फेयर प्ले अवार्ड का जो पुरस्कार दिया गया वो स्पेन को दिया गया। अब फेयर प्ले अवार्ड है क्या, देखिए सभी चीज़ों की एक्टिविटी को ध्यान में रख के फीफा डिसाइड करती है कि किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड देना है। खेल भावना का जिस टीम ने सम्मान किया है, जिस टीम को कम येलो कार्ड और रेड कार्ड दिए गए हैं, जिस टीम की गलतियाँ कम है ग्राउंड पे, इन सभी चीज़ों का आकलन करके पॉइंट रेटिंग की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है फेयर प्ले अवार्ड जो जीता स्पेन ने, ठीक है। अब जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इस फीफा वर्ल्ड कप 2018 से जुड़े हैं, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए बाकी काफ़ी चीज़ें अभी इसमें, पहला गोल किसने किया था और कैसे कैसे क्या हुआ, सभी चीज़ें जो अगर मैं वीडियो लंबी खींचूँ तो कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन मैंने इस वीडियो में वही चीज़ इंक्लूड किए हैं जो कि महत्वपूर्ण है
परीक्षा के लिए। तो महत्वपूर्ण फैक्टों में देखिए, सबसे पहला मैंने इसमें डाला है, इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल करने वाली टीम बनी बेल्जियम। बेल्जियम ने ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में 16 गोल किए, जो कि सबसे ज़्यादा गोल करने वाली टीम बन गई। दूसरा है देखिए, इसमें वर्ल्ड कप के लिए जो उपयोग की गई बॉल थी, इसका नाम टेल स्टार 18 था, जिसको एडिडास ने बनाया था। ये भी महत्वपूर्ण है, जो वर्ल्ड कप खेले गए इस बार, इसमें जो फुटबॉल का यूज हुआ, उस फुटबॉल को बनाया था एडिडास ने, जो जिसका नाम था टेल स्टार 18। ठीक है, इस वर्ल्ड कप में एक महत्वपूर्ण बात रही कि पहली बार दो टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, पनामा और आइसलैंड, जो कि छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और इस वर्ल्ड कप में खेले ये टीम है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2018 पर रशिया में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है, तो काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि फुटबॉल जो प्रेमी हैं संसार में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, फुटबॉल प्रेमी सर्वाधिक है, इस वजह से फुटबॉल का क्रेज़ है हर एक कंट्री में, और इसी को देखते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2018 की मेज़बानी मिली रशिया को, और इसी मेज़बानी के लिए उन्होंने एक डाक टिकट भी रिलीज किया, वो आप देख सकते हैं। ये रहा वो डाक टिकट, जो कि 100 रूबल का है। ठीक है, 100 रूबल का एक डाक टिकट है, जिसको लेव यासिन नाम दिया गया रशियन लैंग्वेज में, और 100 रूबल आपको पता है रूबल करेंसी है रशिया की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट फीफा वर्ल्ड कप 2018 से। आशा करता हूँ कि ये फैक्ट काफ़ी उपयोगी होंगे आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सभी को अच्छे से आप रट लीजिए, क्योंकि इससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इसलिए इन्हीं को मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।